अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 20th of October 2022, 20 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड दिस वीडियो इज बायलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर यस्टरडेज वीडियो कि वो लेट अपलोड हुआ एंड इट वॉज ड्यू टू नेटवर्क इशू, बट आज की वीडियो की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जल्दी पब्लिश करेंगे। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज हैदराबाद ने बीट किया है पेरिस, मॉन्ट्रियल, मेक्सिको सिटी, मेलबर्न एंड 57 कंटेस्टिंग सिटीज टू विन कोवेटेड ग्रीन सिटी अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता है? हैदराबाद जीता है। ओके, हैदराबाद ने बीट किया है पेरिस, मॉन्ट्रियल, मेक्सिको सिटी, मेलबर्न जैसे डेवलप्ड सिटीज को। ओके, और बन गया है वर्ल्ड चैंपियन फॉर द पावर ऑफ प्लांट्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सेकेंड न्यूज। और अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि नॉन गांधी लीडर, 24 साल में पहली बार हुआ है कि नॉन गांधी लीडर बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, खारगे, मल्लिकार्जुन खारगे विंस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और 9385 वोट पोल्ड हुए थे जिसमें 7800 इनके फेवर में गया और 1072 वोट्स गए हैं थरूर के फेवर में। ओके, तो ये पहली बार हुआ है कि नॉन गांधी लीडर बने हैं पार्टी कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ओके, इन 24 इयर्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज चाइना अगेन ब्लॉक्स टू प्रपोजल्स ऑन पाक टेररिस्ट एट यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्चुअली इंडिया और यूएस के द्वारा एक ज्वाइंट प्रपोजल मेड किया गया था और वहां पर पाकिस्तान टेररिस्ट के कुछ ग्रुप्स थे और पाकिस्तान टेररिस्ट से कुछ उनको इंक्लूड किया जाना था इसमें 1267 लिस्ट ऑफ टेरर एंटिटीज ग्रुप में लिस्ट में। और अगेन यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, इसको ब्लॉक किया। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पेज में। ठीक है, वहाँ पर ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया हुआ है, बहुत ही लॉन्ग डिटेल में वहाँ पर दिया हुआ है, तो हम उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, एडिटोरियल सेक्शन में दोनों एडिटोरियल बहुत ही प्यारे प्यारे आए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला एडिटोरियल पूरा तुर्की फॉरेन पॉलिसी पे है, द ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड। आज के डेट में आप सबको पता है क्या चल रहा है, ठीक है, जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स इस टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आर्टिकल को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। अमिड्स द शार्प ईस्ट वेस्ट हॉस्टिलिटीज जनरेटेड बाय द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में जो वॉर हुआ उसकी वजह से जो ईस्ट वेस्ट की जो हॉस्टिलिटीज है ये जो क्रिएट हुई है इसके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई है। ओके, देयर इज वन कंट्री दैट इज एट द सेंटर ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी। ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री है जो कि बोला जाता है दैट इज द सेंटर ऑफ रीजनल डिप्लोमेसी एंड उसका नाम क्या है, तुर्की। ओके, फॉलोइंग अर्लियर अप्रोचमेंट विथ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, तुर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्डोगन हैज रिबिल्ट ब्रिज विथ इजराइल बाय मीटिंग इट्स प्राइम मिनिस्टर यर लेपिड ऑन द साइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द ईयर इन सेप्टेंबर दिस ईयर एंड प्लेजिंग टू कॉपरेट ऑन शेयर्ड इकोनॉमिक एंड शेयर्ड सिक्योरिटी एंड एनर्जी इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वी विल वर्क ऑन शेयर्ड सिक्योरिटी एंड एनर्जी इंटरेस्ट। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इनके द्वारा कहना क्या है कि तुर्की इज कंसर्न्ड अबाउट एक्सपेंडिंग टाइज बिटवीन ग्रीस एंड यूनाइटेड स्टेट। ओके, सो तुर्की बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है कि ग्रीस और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो टाइज है ये बढ़ते जा रहे हैं। ओके, एंड अंकारा रिसेंटली समंड द एम्बेसडर ऑफ बोथ कंट्री टू प्रोटेस्ट अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ US मिलिट्री सप्लाइज ऑन द आइलैंड ऑफ अजीना That is close to Turkey. ठीक है, तो यहाँ पर अंकारा ने रिसेंटली एक संबंध किया जो बुलाया है कुछ एम्बेसडर्स को ऑन बोथ फ्रॉम द बोथ कंट्री एंड टू प्रोटेस्ट अबाउट द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ US मिलिट्री सप्लाइज। ठीक है, तो जो US ने मिलिट्री सप्लाइज को यहाँ पर डिप्लॉय किया है ऑन द आइलैंड ऑफ एजीनिया। ठीक है,
तो इसको प्रोटेस्ट करते हुए इन्होंने कहा है, जो कि बहुत ही अजेना जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज है किसके, टर्की के, तो उसके प्रोटेस्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर कहा है उन्होंने। ओके, एंड इन वॉयलेशन ऑफ सेवरल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ लुवांसने एंड पैरिस 1947 और 1923। ठीक है, तो ये एक वॉयलेशन है किसका, बहुत सारे एग्रीमेंट्स का, और इसमें दो तीन एग्रीमेंट्स यहाँ पर, एक पैरिस एग्रीमेंट 1947 का यहाँ पर वॉयलेशन यहाँ पर बताता है, और यहाँ पर एक लॉसाने का एक एग्रीमेंट है उसका वॉयलेशन यहाँ पर बताता है, जो कि 1923 का एक ये एग्रीमेंट था। ओके, तो ये जो डिप्लॉयमेंट है यूएस मिलिट्री सप्लाई की ऑन द आइलैंड ऑफ एजेना, तो ये दो चीजों का यहां पर वायलेशन बताते हैं। ओके, टू अदर एरिया ऑफ डिस्प्यूट आर साइरस एंड ईस्ट मेडिटेरियन। ठीक है, तो दो अदर एरिया है डिस्प्यूट्स के, क्या क्या, साइरस और मेडिटेरियन। इन अर्ली सितंबर द यूएस रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन डिफेंस सप्लाइज। ठीक है, तो सितंबर, अर्ली सितंबर में क्या हुआ था कि यूएस ने रिमूव कर दिया था रिस्ट्रिक्शन ऑन डिफेंस सप्लाइज टू साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस के जो के ऊपर जो डिफेंस सप्लाइज के जो रिस्ट्रिक्शन है वो यूएस ने रिमूव कर दिए थे इन रिस्पॉन्स टू द आइलैंड नेशन डिनाइंग रिफ्यूलिंग। ठीक है, किसके रिस्पांस में, इसी के रिस्पांस में कि जो आइलैंड नेशन है उन्होंने मना कर दिया था कि वो रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे और जो रिपेयर नहीं करेंगे फैसिलिटीज टू द रशियन नेवल। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस ने बोला था कि आप यहाँ पर जो आइलैंड नेशन है यहाँ पर आप रिफ्यूलिंग और रिपेयर नहीं करेंगे रशियन नेवल का। ठीक है, जो रशियन नेवल वेसल होंगी उसकी आप यहाँ पर रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग फैसिलिटीज आप रशियन को नहीं देंगे, बट इसी के डिनायल में इन्होंने ये फैसला लिया है यूएस ने कि वो यहाँ पर जो डिफेंस सप्लाईज है इसका रिमूवल करेंगे। ओके, इसके जो रिस्ट्रिक्शन इसका रिमूवल करेंगे। टर्की हैज बिलिजेंटली अनाउंस दैट इट विल एक्सपैंड इट मिलिट्री प्रेजेंस ऑन द डिवाइडेड आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर टर्की ने बोला है कि वो क्या करेंगे, अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएंगे इस डिवाइडेड आइलैंड में, और यहाँ पर अपने ट्रूप्स की जो स्ट्रेंथ है लगभग 40,000 तक के आसपास करेंगे। इन फर्दर प्रोवोकेशन टू जर्मन टू ग्रीस इन अर्ली अक्टूबर टर्की कंक्लूडेड एन एनर्जी एग्रीमेंट विथ त्रिपोली बेस्ड लिबियन गवर्नमेंट फॉर ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्स इन द ईस्ट मेडिटेरियन। ठीक है, तो ईस्ट मेडिटेरियन में एक यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्स का यहाँ पर एक ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, और ये टर्की कंक्लूड किया है एनर्जी एग्रीमेंट विथ त्रिपोली बेस्ड लिबियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो लिबियन गवर्नमेंट के साथ इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक एनर्जी एग्रीमेंट यहाँ पर किया है फॉर द फर्दर प्रोवोकेशन टू द ग्रीस। ओके, टर्की हैज अफर्म्ड दैट इट इज द ओनली नाटो मेंबर विच कैन एंगेज विथ रशिया। ठीक है, तो टर्की ने ये अफर्म किया दैट इट इज ओनली मेंबर, ये एक ऐसा नेटो का एकमात्र ऐसा मेंबर है जो कि एंगेज है किसके साथ, रशिया के साथ, एंड मेडिएट इन द यूक्रेन वॉर। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, एंड टर्की सक्सेसफुली नेगोशिएटेड द ग्रेन एग्रीमेंट विथ टू वॉरिंग पार्टीज। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन लेफ्ट ओडिशा ऑन 1st of August, एंड द नेक्स्ट मंथ में एक आया था यहाँ पर 3 million tons हैड बीन शिप्ड फ्रॉम यूक्रेन। टर्किश रशियन टाइज थ्रू मार्क्ड बाई इम्पॉर्टेंस डिफरेंसेस ऑन आर्मेनिया सीरिया लिबिया एंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन रिमेन सब्सटेंशियल एंड म्यूचुअल एडवांटेजियस। ठीक है, तो जो टर्किश और जो रशियन टाइज है इट इज़ मार्क्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज ऑन आर्मेनिया सीरिया लिबिया एंड ईस्ट मेडिटेरियन एंड इट्स रिमेन सब्सटेंशियल एंड म्यूचुअल एडवांटेजियस। ओके, दे आर मार्क्ड बाई सिग्निफिकेंट रशियन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ टर्किश बैंक। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर मार्क्ड बाई रशियन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ टर्किश बैंक including a $15 billion transfer from Russian companies, ठीक है, Russia's nuclear company Rosatom to its Turkey partners to purchase the required equipment for IAEA nuclear power plants and avoid sanction. Turkey's export to Russia have increased 75% over the last year. ठीक है, तो टर्की, आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्की और रशिया का जो रिलेशन है वो कैसे कुछ सालों में कैसे बढ़ा है, लगभग एक्सपोर्ट और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लगभग 75% तक का एक्सपोर्ट बढ़ा है, एंड इवन इट हैज़ इमर्ज एज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ रशियन एनर्जी। ठीक है, तो टर्की क्या बन गया है, मेजर इंपोर्टर बन गया है किसका, रशियन एनर्जी का। सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ रिप्रोटेड बाय प्रपोजिंग दैट टर्की बिकेम अ हब फॉर सप्लाईज ऑफ रशियन गैस टू द यूरोप। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा है कि जो टर्की है इट्स बिकेम द हब फॉर द सप्लाईज ऑफ रशियन गैस टू द यूरोप। ओके, सो टर्की ने रिसेंटली ये सारे इंडिकेशन दिए हैं कि इट वॉन्ट टू बिकम
द मेंबर ऑफ संघाई, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का मेंबर बनना चाहता है इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म दैट दिस इज एन एंटी वेस्ट ग्रुपिंग. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन रिस्पॉन्स में ये सारी चीज़ें टर्की कह रहा है कि दे शोज देयर इंटरेस्ट टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है ईस्ट वेस्ट डिवाइड का. ओके, सो टर्की को यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है और इसी की वजह से ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और रशिया के साथ अपने टाइज को मजबूत करना चाहते हैं. ओके, सो अगेन आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी वही सारी चीज़ें डिस्कशन किया गया है कि ग्लोबल एम्बिशन क्या होगा. ठीक है, ग्लोबल एम्बिशन क्या होगा अगर टर्की के साथ और अगर आने वाले टाइम पे आपका रशिया के साथ अगर वो ट्रेड करता है तो इकोनॉमी में क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है. बाकी और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज़ अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन. ओके, अगेन ये आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में आप सबको पता है कि हम टर्मोइल फेस कर रहे हैं. ठीक है, टर्मोइल फेस कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें ना ही केवल क्लाइमेट की वजह से हो रहा है बल्कि हम बहुत सारी चीज़ों से देखने को मिल रहा है. जैसे कि अभी 2020-21 में तो हम कोविड देखें, कोविड पैंडेमिक, ठीक है, जो कि एंडेमिक बन गया भैया. ठीक है, वो पैंडेमिक आया वो एंडेमिक ही बन गया. ठीक है, वॉर फ्यूल एज डिवास्टेटिंग एनर्जी फूड हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो गए. ठीक है, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया है. तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर ऑथर ने आर्टिकल लिखा है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स बिगेन ओवर 30 ईयर, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने वॉर्न किया है दैट ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट जो मेजर है इट हैव डिक्लाइंड अक्रॉस मोस्ट कंट्रीज इन पास्ट 2 ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई, उसने वार्निंग दिया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्स हैं ये डिक्लाइन करते जा रहे हैं इन मोस्ट कंट्रीज इन लास्ट 2 ईयर. ठीक है, तो पिछले 2 सालों में ये डिक्लाइन होता हुआ दिखते जा रहा है. ठीक है, एंड दिस कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ ऑल द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रहे हैं. क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, और पास्ट कुछ डिकेड्स की अगर मैं बात करो तो ये साल जो था सबसे वार्मेस्ट था, ये भी यहां पर प्रूफ किया गया है कि दिस ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स, फ्लड, ड्राउट एंड अदर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वेदर हैव फोर्स्ड अर्थ टू फेस दीज इंक्रीजिंग डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स. ओके, तो ये साल ऑफकोर्स हीट वेव्स हमें इस साल हमें देखने को मिला और ये हीट वेव सिर्फ देखने को नहीं मिला, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव था और बहुत सारे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में फ्लड आ गया. ठीक है, तो कंडीशन लगभग सारी जगह ख़राब है और इट इज़ ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो डिसरप्शन है ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ओके, सो पेरिस एग्रीमेंट एंड द COP26 समिट इन ग्लासगो रिप्रेजेंट अर्जेंट कलेक्टिव स्टेप्स कंट्रीज आर टेकिंग टू लिमिट इमिशन. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे चीज़ों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, दैट इज़ कार्बन इमिशन. ठीक है, सारी चीज़ें घूम फिर कर कार्बन इमिशन पर आ जाती है और यहाँ पर COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, यहाँ पर ये सारी चीज़ें सब कंट्रीज ने मिलकर शपथ लिया था कि वो कार्बन इमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ताकि जो कार्बन इमिशन है वो जितना हो रहा है उतना ना हो और बहुत ही ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर शपथ लिया था और इंडिया ने भी किया था शपथ लिया था कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे बाई 2070. ठीक है, तो 2070 तक हम क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे. तो हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है. यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो कि पहले डेवलप्ड हो चुके हैं, अब वो ऑफकोर्स यहाँ पर बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप यहाँ पर थोड़ा कम कीजिए इमिशन. ठीक है, आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज थोड़ा कम खोलिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कम कीजिए, ग्रीनरीज को डेवलप कीजिए, प्लांट उगाइए. ठीक है, सब वो सब बोलेंगे, ऑफकोर्स वो डेवलप्ड हो चुके हैं तो वो बोलेंगे. ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हम जब डेवलपिंग फेज़ पे थे तो हमने भी ये सारी चीज़ें की है जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जिसको आर्टिकल में ऑथर के द्वारा डिस्कस किया गया है. नाउ यहाँ पर एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के बारे में जो कि बात किया गया है, जो कि लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 इन नवंबर 2021. इट वॉज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था. कब? COP26 में, नवंबर 2021. ठीक है, विच ब्रिंग अ फ्रेश एंड मच नीडेड पर्सपेक्टिव. ठीक है, एक फ्रेश और मच नीडेड पर्सपेक्टिव के साथ इसको लाया गया था.
अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, आपको इसको लिखना है. रादर दैन फ्रेमिंग क्लाइमेट चेंज एज अ लार्जर दैन लाइफ चेंजेस, लाइफ रिकॉग्नाइज दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन कैन टिप द बैलेंस इन द प्लानट फेवर. ठीक है, मान लीजिए कि देखिए आप लोग क्या सोचते हैं ना कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट करेगी ओके, और लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं. ठीक है, तो एक स्मॉल इंडिविजुअल का भी, एक सिंगल पर्सन का भी एक यहाँ पर एक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, और उस इंडिविजुअल का एक्शन बहुत ही ज़्यादा प्लानट को बचाने में हो सकता है, कामयाब हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएँ और आप यहाँ पर कचरा फैलाते रहें. ठीक है, आप यहां पर कचरा फैलाते रहें, आप यहां पर कार्बन इमिशन करते रहें. ठीक है, आप यहां पर जैसे कि मान लीजिए सपोज एग्जांपल आप यहां पर ले लेते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट कुछ एक्शन प्लान्स लेके आती है. ठीक है, गवर्नमेंट कुछ एक्शन प्लान्स लेके आती है और लोगों की वहां पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बस इसको ऐसे मजाक के तौर पर लेते हैं अपने, मतलब कि और ध्यान इस चीज का नहीं देते हैं. ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट तो लेकर आ गई, लेकिन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो उस चीज़ को ध्यान दे, कचरा इधर उधर ना फैले फेंके. ठीक है, उसको ना फैलाएं ओके, और कचरे को डस्टबिन में डालें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर करने की ज़रूरत है, लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी करने की ज़रूरत है. तो स्मॉल इंडिविजुअल का जो एक्शन है, इट कैन टिप द बैलेंस इन द प्लानट फेवर. ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा. मेनी ऑफ द गोल्स ऑफ द लाइफ कैन बी अचीव बाई डिप्लॉइंग नर्ज. ठीक है, तो नर्ज को डिप्लॉय करके यहाँ पर लाइफ के जो गोल्स हैं, वो बहुत सारे जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं. जेंटल पर्सुएशन टेक्निक्स टू इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर्स. ठीक है, इट इज अ जेंटल पर्सुएशन टेक्निक्स. ये क्या है, जेंटल पर्सुएशन टेक्निक्स है जो कि पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करता है ओके. द UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, UNEP employs proven nudge technique such as discouraging food waste. ठीक है, तो discouraging food waste by offering small plates in cafeterias, जो cafeterias में जो smaller plates में जो offer की जाते हैं ना food waste, उसको discourage करना ओके. encouraging recycling by making bin lids. ठीक है, तो bin lids eye catching के द्वारा यहाँ पर recycling को increase करना. and encouraging recycling by creating cycle path. ठीक है, तो साइकिल पाथ को इंक्रीज करकर, साइकिल पाथ को क्रिएट करके यहाँ पर साइकिलिंग को क्या करना, इंक्रीज करना. एंड अकॉर्डिंग टू UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, मोर देन 2/3 ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड कंजप्शन एंड लाइफस्टाइल. ठीक है, तो जो यहाँ पर UNEP ने बताया उसके द्वारा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू UNEP जो दो तिहाई यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है ना, ये कहाँ से होकर आता है, हाउस होल्ड कंजप्शन से या फिर लाइफस्टाइल से होकर आता है. ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बताया गया है ओके. इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड्स, इंडिया का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा टुडे इन गुजरात फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ठीक है, फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिस विजन ऑफ लाइफ इज टेकिंग फ्लाइट एज अ ग्लोबल मिशन लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुगेदर विथ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्रेटिस. ठीक है, तो आज के डेट के आपको पता है UN सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्रेटिस. उनके साथ मिलकर यहाँ पर टुगेदर उनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया था एज अ ग्लोबल मिशन. ठीक है, एज अ ग्लोबल के ग्लोबल मिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था. हु हैज़ केम टू इंडिया टू शो हिज सपोर्ट. ठीक है, जो इंडिया में आए थे ऑफकोर्स रिसेंटली UN सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो ग्रेटिस जी आए थे और उन्होंने इसमें सपोर्ट भी दिखाया था लाइफ मिशन के रिगार्डिंग ओके. द प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी जनरल आर कॉलिंग on all consumer across the world to become pro planet people by 2027. ठीक है, तो 2027 तक यहाँ पर pro planet people बनाने की कोशिश की जा रही है. adopting simple lifestyle change can collectively lead to transformational change. ठीक है, again it's very important यहाँ पर simple lifestyle को यहाँ पर आपको यहाँ पर inherit करना है और it can also collectively lead to transformational changes. okay, यहाँ पर मैं आपको पहले भी बोला ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो गलतियाँ कर दी हैं, अब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पॉइंट आउट करेंगे ये सारी चीज़ों के लिए ओके. बट यहाँ पर वो ये नहीं देखेंगे कि हमने भी वही गलतियाँ की है तभी हम जाके आज इतने वहाँ पर पहुँचे हैं. ठीक है, लेकिन हमने भी इंडस्ट्रीज़ बनाई थी अपने टाइम पर. ठीक है, और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक रिपोर्ट में ये भी बताता है कि जो एवरेज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ पर्सन इन हायर इनकम कंट्री इज़ मोर देन 80 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ पर्सन इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. ठीक है, तो जो हायर इनकम कंट्रीज में एक एवरेज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ पर्सन का वो लगभग 80 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, यहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लिखा गया है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज की आप बात कर सकते हैं. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के कंपेयर में यहाँ पर 80 गुना ज़्यादा है इन डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, तो हायर इनकम जो कंट्रीज है उसमें आप यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे कार्बन फुटप्रिंट पर्सन के एवरेजेस. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. यहाँ पर कुछ क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, लाइफ के
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या कुछ। हाँ, आपको परसों के दिन आपको मैंने न्यूज़ प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है, वो न्यूज़ प्रोवाइड नहीं किया था, उसमें एक आर्टिकल आया हुआ था, जैसे आपको सबको पता है कि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी अपडेट किया था, दैट हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को अपॉइंट किया गया। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है बाय आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, अब नाउ इनका अप्रूवल मिल गया है, नाउ ही विल टेक ओथ ऑन नवंबर 9, 2022। ठीक है, तो 8 नवंबर 2022 में जस्टिस UU ललित जी रिटायर हो जाएंगे फ्रॉम हिज ऑफिस, और 9 नवंबर 2022 को ये आप ले लेंगे जो कंट्री का टॉप लॉ पोस्ट है उसके ऊपर ये चार्ज ले लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलाता है, आप याद रखिएगा, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल यहाँ पर इसलिए आया हुआ था कि ये पहली बार 10 साल में पहली बार होगा, जैसे कि आपको पता होगा ना कि जो लॉन्गेस्ट टेन्योर होता है जो जज का वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये 10 साल में पहली बार होगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का जो टेन्योर होगा ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट लिखा हुआ है, जस्टिस चंद्रचूड़ विल सर्व एज अ CJI फॉर 2 years and 2 days। ठीक है, तो 2 साल और 2 दिन के लिए ये रहेंगे, 2 साल 2 दिन का ये टेन्यू रहेगा इनका, और ये कब रिटायर होंगे, 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर्ड होंगे। ओके, सो ही इज एक्सपेक्टेड टू बी द 14th लॉन्गेस्ट टेन्यूर अमंग द टेन्यूर्स ऑफ 50th CJI एनालिसिस। ठीक है, तो ये 14वें लॉन्गेस्ट टेन्यूर के जो जज बन गए हैं। ओके, हिज टर्म विल बी द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल CJI ऑफ द पास्ट डिकेड्स। ठीक है, तो इनका जो टर्म है वो लॉन्गेस्ट है अमंग ऑल CJI ऑफ द पास्ट डिकेड, एंड द 11 जज हु वर अपॉइंटेड आफ्टर जस्टिस SH कड़प्पा हु टुक चार्ज ऑन 12th May 2010 एंड हु सर्व 2 years 4 months and 19 days। ठीक है, तो जो SH कड़प्पा है वो उन्होंने चार्ज लिया था 12 मई 2010 को, और ये लगभग 2 साल 4 महीने और 19 दिन उन्होंने इनका टेन्यूर था। ओके, तो ये थोड़े से उससे शॉर्ट है, बाकी लगभग उनके क्लोजर ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसी के रिगार्डिंग थी। ओके, और ये आप याद रखिएगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ बन गए हैं इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बनेंगे और ये अपने चार्ज लेंगे कब से, 9th of November 2022 से ये यहाँ पर ओथ लेंगे ये। ठीक है, इनको ओथ दिलाता कौन है, इनको ओथ दिलाता है हमारे प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी इनको ओथ दिलाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसी के बारे में आपको बात कर रहा था। ठीक है, जहाँ पर चाइना ने क्या किया है, अगेन यहाँ पर अपना वीटो पावर का यूज़ करके और होल्ड कर दिया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में होल्ड कर दिया है इन 2 टेररिस्ट का नाम। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो कि बताया जा रहे थे वो एफिलिएटेड अलकायदा और ISI से। ठीक है, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डिस्कस करते हैं, पूरा आर्टिकल मैंने देखो हाईलाइट कर रखा है। ओके, आप सबके लिए एक पॉइंट मैं आपको नहीं छोड़ने के लिए दूंगा। ठीक है, आपको एक पॉइंट आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ आपको यहीं पर बता दूंगा। ठीक है, तो ये वेडनेसडे के दिन हुआ जब चाइना ने होल्ड कर दिया। ठीक है, एक ज्वाइंट प्रपोजल मेड किया गया था किसके द्वारा, इंडिया और US के द्वारा, टू डेजिग्नेट लश्करे तैयबा कमांडर शहीद मोहम्मद अंडर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो यहां पर जो लश्करे तैयबा के जो कमांडर है शहीद मोहम्मद, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1,267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में इसको इंक्लूड करना था, बट चाइना ने यहां पर क्या कर दिया, इसको होल्ड कर दिया। ठीक है, और ये बताया जाता है विच इज़ एफिलिएटेड टू अलकायदा और ISI। ठीक है, तो ये जो इंसान है ना, ये जो टेररिस्ट है, ये बताया जाता है ये एफिलिएटेड है किससे, अलकायदा और ISI से। ओके, नाउ यहाँ पर प्लेस ऑफ होल्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1,267 कमेटी को सेटअप किया गया था 1999 में। ठीक है, 1999 में इसको सेटअप किया गया था, 1,267 कमेटीज को सेटअप किया गया था कब, 1999 में, और इसको अपडेट किया गया था 2011-2015 में, जो कि अलाउ करता है एनी UN मेंबर स्टेट। ठीक है, कोई भी UN का मेंबर स्टेट हो उसको अलाउ करता है टू प्रपोज एडिंग द नेम ऑफ अ टेररिस्ट और टेरर ग्रुप ऑफ अ कंसोलिडेटेड लिस्ट। ठीक है, टू अ कंसोलिडेटेड लिस्ट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं उसको ये क्या करता है, अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप टेररिस्ट जो है उनके नेम आप दे सकते हैं टू टू मेंशन इन द कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड लिस्ट एंड मेंटेन बाय द कमिटी। ठीक है, तो जो कमिटी के द्वारा जो लिस्ट मेंटेन की जाती है 1267 कमिटीज के द्वारा, ठीक है, तो इनके द्वारा जो लिस्ट मेंटेन की जाती है उसमें उसके लिए आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ओके, दैट हैज एफिलिएशन टू अलकायदा एंड ISI, ठीक है, जिनका एफिलिएशन होना चाहिए किससे, अलकायदा से और ISI जैसे एजेंट से जिनका एफिलिएशन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, ये मेंबर्स को अलाउ करता है कि आप टेररिस्ट का नाम दीजिए, ठीक है, जो टेररिस्ट है उनका नाम दीजिए जो कि एफिलिएटेड है, जो कि किससे अटैच है, अलकायदा और ISI जैसे ग्रुप से अटैच्ड है, उनका आप नाम दीजिए फॉर द कंसोलिडेटेड लिस्ट, ओके। इंडिया हैज सक्सेसफुली प्रपोज द लिस्ट ऑफ सेवरल टेरर एंटिटीज इन द पास्ट 2 decades, ठीक है, तो इंडिया ने पिछले दो डिकेट्स का मतलब हो गया 20 सालों में लगभग बहुत सारे नाम को यहाँ पर प्रपोज किया है इंडिया ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद, ठीक है, तो जैसे मोहम्मद हो गया एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, ठीक है, लश्करे तैयबा हो गया, ठीक है, आप यहाँ पर ये सारे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल के हिसाब से क्या कहता है, वंस अ लिस्ट इज प्रपोज, एक बार जब लिस्ट प्रपोज हो गया तो इट विल बी अडॉप्टेड इन टू अ लिस्ट, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये लिस्ट में अडॉप्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नो ऑब्जेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, तो ये नो ऑब्जेक्शन प्रोसीजर के थ्रू इसको लिस्ट में अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिसका मकसद है क्या, जिसका मतलब है इफ एनी मेंबर ऑफ द कमिटी, अगर कमेटी का कोई भी मेंबर विच कंप्राइज ऑल ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल प्लेस अ होल्ड ऑन लिस्टिंग और ऑब्जेक्ट आउटराइट टू इट, द लिस्टिंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड, ठीक है। अगर मान लीजिए मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी मेंबर हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए लिस्ट में लिस्ट को ऑब्जेक्ट करता है या फिर एक होल्ड प्लेस करता है जैसे कि चाइना ने अभी किया है, ठीक है, तो लिस्ट क्या होगी, अडॉप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो लिस्ट अडॉप्ट होने के लिए यहाँ पर किसी भी मेंबर को होल्ड नहीं करना होगा, ठीक है, अगर होल्ड कर दिया तो लिस्ट अडॉप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC का जो परमानेंट मेंबर है चाइना, इसने अपना वीटो पावर का यूज़ करके यहाँ पर अगेन ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, चाइना के पास वीटो पावर होने का मतलब है खतरा, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ने देगा किसी को भैया, ठीक है, तो यहाँ पर वीटो पावर का गलत यूज कर रहा है चाइना, ठीक है, तो अभी आपको पता है कि होल्डिंग करने की पावर किसके पास है, वीटो कंट्रीज के पास है, तो वीटो कंट्री पांच ही है, ठीक है, वीटो कंट्री पांच ही है, US UK चाइना रशिया फ्रांस, ठीक है, तो ये पांच कंट्री के पास वीटो पावर है और यही आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। Now move to the again important point. Next important point: the committee is bound to resolve all such pending cases within 6 months. ठीक है, तो जो कमिटी है, ऐसे जो पेंडिंग केसेस होते हैं जो होल्ड कर दिए जाते हैं चाइना जैसी कंट्री के द्वारा, ठीक है, इनको रिजॉल्व करना होगा कितने मंथ में, 6 months में रिजॉल्व करना होगा, ठीक है, बट जो कमिटी के जो कमिटी है उसके पास एक्सटेंशन का पावर है, ठीक है, ये अपने जो जो केसेस है पेंडिंग केसेस है इसको एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, इसी को कहते हैं होल्डिंग, ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर कंट्री को यहाँ पर बताना पड़ेगा, अगली बार जब कंट्री यहाँ पर मिलेंगे तो उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वेदर टू एक्सेप्ट द लिस्टिंग को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, या तो उनको यहाँ पर परमानेंट ऑब्जेक्शन यहाँ पर देना पड़ेगा ऑन इट, ओके, तो यहाँ पर जब अगली बार मिलेगी कमिटी तो यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर लिस्ट को एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पर, या तो यहाँ पर परमानेंट ऑब्जेक्शन दीजिए, ओके। नाउ यहाँ पर व्हाट आर द रीजंस दैट चाइना हैज गिवन फॉर द होल्डिंग द लिस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पर रीजंस क्या दिए गए हैं, ऑफकोर्स चाइना यही बोलता है कि हमें कुछ और टाइम चाहिए, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ इनके तरफ यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर पता लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक रिलेवेंट डाटा नहीं है, इररिलेवेंट डाटा है, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना क्लेम करता है, ठीक है। सिंस 2001 चाइना हैज प्लेस्ड होल्ड ऑन नंबर ऑफ लिस्टिंग प्रपोजल रिलेटेड टू मेनली टू पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप एंड द देयर लीडर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, 2001 के बाद हमेशा हमने ऐसा देखा है कि चाइना ने एक होल्ड प्लेस किया है, ठीक है, बहुत सारे प्रपोजल मेड्स किए गए हैं स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स और उसके लीडर्स के खिलाफ, लेकिन चाइना ने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया और उन्होंने कहा कि गिव द क्लोज बायलेटरल, ठीक है, ये ड्यू टू ऑफकोर्स चाइना और पाकिस्तान के टाइज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। And most notable was Chinese objection on the listing of Jaskare Mohammed
फाउंडर मसूद अजहर, ठीक है। तो मसूद अजहर का आप एक यहाँ पर सीधा साधा एग्जांपल ले सकते हैं, वो एक जैसे मोहम्मद का एक यहाँ पर टेररिस्ट था, और यहाँ पर आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अजहर वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन बाय इंडिया इन 1999, ठीक है। तो मसूद अजहर को रिलीज़ कर दिया गया था इंडिया से, ठीक है, इंडिया के जेल में एक कैद था, ठीक है। इसको 1999 में इसको रिलीज़ कर दिया गया था, इसको हैंड ओवर कर दिया गया था किसको, टेररिस्ट को, ठीक है। इसको हैंड ओवर कर दिया गया था टेररिस्ट को इन रिटर्न फॉर हॉस्टेज ऑन बोर्ड इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC 814, ठीक है। तो आईसी इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी IC 814, इसके इसको इन्होंने हैक कर लिया था, ठीक है। हैक करने के बाद इन्होंने मांग की कि हमारे जो साथी हैं मसूद अजहर, इनको रिहाई किया जाए, वरना हम जितने भी यहाँ पर फ्लाइट में जितने भी आते हैं हॉस्टेज हैं, उनको क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है। विच शुड हैव लेफ्ट लिटिल डाउट अबाउट अजहर ओन स्टेटस एज अ टेररिस्ट, ओके। वाइल द जैसे मोहम्मद वॉज लिस्टेड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2001, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे मोहम्मद जो है इसको लिस्ट किया गया, ठीक है, यहाँ पर जो जैसे मोहम्मद है इसको लिस्ट किया गया एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2001 में, एंड अजहर वॉज मैंसन एज अ ग्रुप फाउंडर, ठीक है। तो अजहर को मैंसन किया गया यहाँ पर ग्रुप फाउंडर के तौर पर, एंड ही वॉज डेजिग्नेटेड फॉर द सेवरल ईयर, ठीक है। इवन आफ्टर पार्लियामेंट अटैक एंड मुंबई 2611 अटैक, चाइना के प्लेसिंग अ होल्ड ऑन यूएनएससी टेरर लिस्टिंग प्रपोजल फॉर हिम, ठीक है। तो ये सारे अटैक्स हुए, पार्लियामेंट पे अटैक्स हुए, ठीक है, मुंबई में अटैक हुआ 26/11, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो चाइना का यहाँ बहुत ही तगड़ा, यहाँ पर बोलते हैं ना कि वो कुत्ता जो होता है ना गले पे पट्टी वाली कहानी है इसकी, ठीक है। तो एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर होल्ड करके रखा, यूएनएससी टेरर लिस्टिंग प्रपोजल को यहाँ पर होल्ड करके रखा इन सब के होने के बावजूद भी, 2009 में, 2010 में, 2016-18 में, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। और इन्होंने क्लेम किया कि अभी हमारे पास इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग मसूद अजहर और उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। इन मे 2019 थ्री मंथ आफ्टर द पुलवामा अटैक, ठीक है। तो 2019 में जब हमने देखा कि पुलवामा अटैक के 3 महीने बाद कि जो चाइना है उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपने जो होल्ड है उसको विद्रॉ कर लिया, और यहाँ पर मसूद अजहर को यहाँ पर डेजिग्नेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, यूएनएससी में टेररिस्ट लिस्ट में यहाँ पर डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर माना जाता है कि जो पुलवामा अटैक है उसका मास्टरमाइंड कौन था, मसूद अजहर था इसका मास्टरमाइंड, ओके। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। जब यहाँ पर दुर्घटना हो जाता है तभी यहाँ पर इनको समझ में आता है, ऐसे तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ है। चाइना में बोलते हैं बस लोग स्मार्ट दिखने में लेकिन दिमाग से ऐसे पागल है, ओके। चाइनीज अम्बेसडर टू इंडिया सोन वेडोंग सेड दे नीड सम टाइम टू स्टडी सच स्पेसिफिक केस, बट दैट डजेंट मीन चाइना हैज चेंज इट्स पोजिशन ऑन काउंटर टेरर ऑपरेशन एफर्ट्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ों को देखते हुए द हिंदू ने पूछा था कि वट आर द रीजन फॉर द परसिस्टेंट ऑफ होल्ड ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर द वेरियस टेररिस्ट लिस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई चाइना से कि क्या रीजंस थे कि आपने होल्ड करके रखे थे इंडिया के रिक्वेस्ट को, ठीक है, इंडिया के प्रपोजल को। तो चाइना ने कहा कि आपको हमें कुछ टाइम चाहिए ऐसे केसेस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। बट इसका ये मकसद नहीं हुआ कि चाइना अपने जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का जो एफर्ट्स है उसको चेंज कर रहा है, ये इसका ये मकसद नहीं है, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक जो ऐसे केसेस हैं उसको स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, और इसी की वजह से ये होल्ड करके रखे हुए, ठीक है। सारी चीज़ों के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा आने वाले टाइम अगर ऐसा होता है तो इंडिया और यूएस ने बिल्ड किया है दियर ओन लिस्ट ऑफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ठीक है, डैट डॉक्यूमेंट द केस अगेंस्ट देम, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, जो कि अभी बोला जा रहा है कि इस वीक में हो सकता है कि इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए ही इसको यहाँ पर पुटअप किया गया था इन दिस ग्रे लिस्ट, ओके। तो अभी देखेंगे कि अभी यहाँ पर इनको हटाया जाएगा कि क्या किया जाएगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है देन लेट मी आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे इजिली पूछ सकते हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेंटर टू प्रमोट डेस्टिनेशन इन 15 स्टेट एज अ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन 2 का पार्ट होते हुए सेंटर ने प्रमोट किया है 15 स्टेट्स के डेस्टिनेशन को, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, ग्वालियर हो गया, ये ऐसे आइडेंटिफाइज सिटीज़ हैं इन द 15 स्टेट अक्रॉस द कंट्री टू बी प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यू डोमेस्टिक टूरिज्म पॉलिसी विच मूव्स अवे फ्रॉम थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट एंड फोकस्ड ऑन रिवाइविंग अप डेस्टिनेशन टूरिस्टिंग
टूरिज्म, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 स्टेट में ये एक्चुअली स्वदेश दर्शन 2 का ये पार्ट के थ्रू 15 यहाँ पर डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की बात की गई है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, ठीक है। और ये जनवरी से किक्ड ऑफ किया जाएगा, स्वदेश दर्शन टू इसको जनवरी से किक्ड ऑफ किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कुछ स्टेट्स का यहाँ पर नाम दिया गया है, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ स्टेट्स का यहाँ पर नाम दिया गया है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस है जैसे झांसी हो गया, प्रयागराज हो गया उत्तर प्रदेश का, ग्वालियर हो गया, चित्रकूट हो गया, एंड खाजुराहो हो गया किसका, मध्य प्रदेश का, अजंता एंड एलोरा केव्स हो गया किसका, महाराष्ट्र का। तो ये सारे केव्स हैं जिनका प्रमोशन करने की बात की गई है, ठीक है, जिनको प्रमोट करने की बात की गई है बाय द सेंटर, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा 100% सेंट्रली फंडेड है, ठीक है, इसको सेंटर फंड करता है, एंड द स्कीम हैज़ बीन रिवैम्प्ड विथ मंत्रा फॉर वोकल फॉर लोकल, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014-15 में, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, एंड इट इज़ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, ठीक है, इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, ठीक है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल एजेंसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2014-15 में स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया था, इट कम्स अंडर टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रोवाइड करती है फंडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, ठीक है। तो कुछ प्रयागराज हो गए, चित्रकूट हो गए, ग्वालियर हो गया, अजंता एलोरा केव्स हो गए, तो ये सारे जो डेस्टिनेशन सेंटर हैं इनको यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, एज अ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन, ठीक है, स्वदेश दर्शन के पार्ट टू। ओके, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज लीव यूक्रेन एज द अर्लीस्ट सेज इंडियन एम्बेसी, ठीक है। इंडियन एम्बेसी ने अगेन रिसेंटली एक फ्रेश एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया फॉर इट्स सिटीजन वो आर लिविंग इन यूक्रेन। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिचुएशन जो बढ़ती जा रही है एज द यूक्रेन वॉर एस्केलेट्स, ठीक है, जो सिचुएशन इंटेंस होती जा रही है, ठीक है, रशिया के जो डिसीजन है वो इंटेंस होती जा रहे हैं, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर से लेकर जो फरवरी का जो महीना है ये बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है, ठीक है, यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन इसको इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने वाला है, और ये सारी काउंटर ऑफेंस का ये सारा नतीजा है, ठीक है। ऑफकोर्स जेनेस्की काउंटर ऑफेंस करने के चक्कर में लगता है वो ले डूबेंगे सबको, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, तमिलनाडु लॉन्चेस मिशन टू सेव क्रिटिकल एंडेंजर्ड वल्चर्स, ठीक है। अलार्मिंग एट 96% डिक्लाइन इन इंडियाज वल्चर पॉपुलेशन बिटवीन 1993 एंड 2003, द सेंट्रल गवर्नमेंट पुट इनटू अ 2 एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज एट द नेशनल लेवल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 96% यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इंडियाज वल्चर्स की वो डिक्लाइन करती हुई देखने को आपको मिलेगी बिटवीन 1993 to 2003। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक डिकेड यहाँ पर है, ठीक है, एक डिकेड में आपको यहाँ पर 96% पॉपुलेशन यहाँ पर वल्चर की डिक्लाइन देखने को मिलेगी, कितना, 96%, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटर ने यहाँ पर 2 एक्शन प्लान निकाले थे, ठीक है, अपने लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे 2 एक्शन प्लान यहाँ पर निकाले थे टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज, ठीक है। पहला 2006 में था और दूसरा जो यहाँ पर है 2020-25 में ऑन गोइंग प्लान है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्शन प्लान इन दिस नेशनल वाइड प्लान इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल कमिटी टू सेव क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान थी, दैट इज यहाँ पर एक स्टेट लेवल कमिटी की फॉर्मेशन करने की बात की गई थी, सो दैट कि वो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो पॉपुलेशन है वल्चर्स का उसको यहाँ पर बचाया जा सके उनको, ठीक है। तो उस लेवल पर यहाँ पर काम किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, बनाया है क्या स्टेट लेवल कमिटी टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर विच ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन द कंट्री एट द बिगनिंग ऑफ 21st century, ठीक है। तो लगभग ये एक्सटिंक्ट होने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट के द्वारा कुछ यहाँ पर मेजर्स, स्टेप्स एंड मेजर्स लिए गए, यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर उसको देखने के लिए, ठीक है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ वल्चर है उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। इन तमिलनाडु 4 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स आर फाउंड, ठीक है। तो 4 वल्चर की स्पीसीज तमिलनाडु में पाई जाती है, कौन कौन सी है, ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर्स, ठीक है, तो ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर हो गया, दूसरा लॉन्ग बिल्ड वल्चर हो गया,
तीसरा रेड हेडेड वल्चर हो गया और चौथा इजिप्टियन वल्चर हो गया। ठीक है, चारों वल्चर के नाम लिख लीजिएगा कि चारों स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, ओरिएंटल वाइट बैट वल्चर, दूसरा लॉन्ग बाइल्ड वल्चर एंड तीसरा रेड हेडेड वल्चर, चौथा इजिप्टियन वल्चर्स। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वल्चर प्लेज अ क्री रोल्स एज नेचर्स स्कैवेंजर्स कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। ठीक है, तो वल्चर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरमेंट को साफ रखने में, एंड देयर सोशल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज पुतिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन एनेक्स्ड रीजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो जो रीजन को एनेक्स कर लिया था पुतिन ने, वहाँ पर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है। मार्शल लॉ का मतलब क्या हो गया, सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस हो गया, वो सारे किसके अंडर में आ जाएगी, अब सारे वो गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगी, सारी वो आर्मी के अंडर में आ जाएगी। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन इन विच द आर्मी ऑफ कंट्री इंस्टेड ऑफ पुलिस कंट्रोल एंड एरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रबल। ठीक है, आप इस ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आर्मी के कंट्रोल में आप दे देंगे। ठीक है, और ये आपको फियर की वजह से भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, फियर होगा कि हाँ हम लूज़ हो जाएंगे, या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेशर ऑन रुपीस मे राइज इफ़ US रेज रेट्स फर्दर। ठीक है, तो अगर US के जो इंटरेस्ट रेट हैं ये अगर आगे आने वाले टाइम में अगर बढ़ते हैं तो इंडियन रुपीस पे प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो हायर दैन एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इन इंक्रीज इन द US कुड पुट फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द रुपी एंड इंक्रीज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन इंडिया, बट देयर इज अ लिमिटेड रिस्क ऑफ कंट्रीज सर्वाइजिंग रेट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर फिनटेक रेटिंग सेट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिनटेक के द्वारा कहा गया है। चाइनाज टोटल ट्रेड सरप्लस विथ इंडियाज सरपास। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और चाइना का यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं 1 ट्रिलियन का हो गया। ठीक है, 1 ट्रिलियन यहाँ सरपास कर गया, $1 ट्रिलियन यहाँ पर सरपास कर दिया है चाइना और इंडिया का ट्रेड। ट्रेड टाइज बिगेन्स टू बूम सिंस द अर्ली 2000 ड्रिवन लार्जली बाई इंडियाज इम्पोर्टेड ऑफ चाइनीज मशीनरीज एंड अदर इक्विपमेंट अप फ्रॉम $3 बिलियन इन द ईयर 2000 टू $42 बिलियन इन 2008 द ईयर China become the India's largest trading partner. Again, very important. बहुत सारी conflicts, बहुत सारी border tensions होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या ट्रेड चलता है। ठीक है, क्या ट्रेड चलता है, बल्कि ये सारी चीज़ों को चाइना नहीं देखता। ठीक है, उनका जो दिमाग है ना वो गोबर बराबर उनकी तरह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो उनके ऊपर से पार हो जाती है, बाउंस कर जाती है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में कैसे एक बॉल डालते हैं और जो बैट्समैन होता है उसके सर से बाउंस करता है, तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आता है। भाई इंडिया तुमको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है, इंडिया तुमको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इंडिया की वैल्यू समझो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में ना तुम बहुत पछताने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको समझने की ज़रूरत है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। ओके, यहाँ पर इसको हम खत्म करते हैं। होप यू ऑल गॉट क्लैरिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।